फिर से जो है बरसात हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश जो है हो रही है। और आपको बता दें कि जो अनाज है, जो फसल है किसानों की, वो मंडियों में आ चुकी है। और आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको अनाज की बोरियां ही बोरियां दिखाई देंगी। और जो ये बोरियां है इनके ऊपर ना कोई पल्ली है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसानों की जो फसलें हैं वो किस तरह से खराब हो रही है। पहले बेमौसम के कारण जो है जो दाना है वो काला हो जाता है। और फिर से जो है लिफ्टिंग जो स्टार्ट नहीं हुई थी, काफी देर बाद जो है लिफ्टिंग स्टार्ट हुई, अभी भी धीरे धीरे लिफ्टिंग स्टार्ट हो रही है, जिसके चलते जो अनाज है, जो फसल है, वो मंडियों में ही रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आप देखेंगे कि जो अनाज की बोरियां है किस तरह से चारों तरफ है। और यहाँ पर आप दूसरी तरफ तस्वीरें देखेंगे कि जो मजदूर है, लेबर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, पूरा प्रयास कर रहे हैं अनाज को हटाने का। आप उधर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से शेल्टर के नीचे जो अनाज की बोरियां है वो ले जाई जा रही है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इतना ज्यादा अनाज है कि शेल्टर के नीचे भी ये पूरा नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो फिर से ये जो है शेल्टर के अंदर से भी जो है पानी आता है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो अनाज की बोरियों के नीचे किस तरह से पानी भर चुका है। बरसात काफी तेज है, फिर से जो है किसानों पर कहर पड़ता है। एक तरफ तो सरकार का कहर पड़ता है, दूसरी तरफ जो है बरसात का कहर किस तरह से किसानों पर पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है बादल कितने ज्यादा छाए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा बरसात हो रही है। और जो बरसात के कारण है फसल किस तरह से खराब हो रही है। और आपको बता दें कई घंटे हो जाते हैं बरसात लगातार चल रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फिर से जो है किसानों पर बरसात का कहर पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल की न्यू अनाज मंडी से, जहां पर आप देख सकते हैं बरसात कितनी तेज है और जो किसान है वो फसल को किस तरह से तैयार करता है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, उसी तरह से जो है फसल का भी जो है फसल तैयार करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। और उसके बाद जो है पहले ही भी मौसम के कारण जो है दाना जो है खेतों में खराब हो जाता है। और फिर से जो है एक कहर टूट पड़ता है। सरकार की तरफ से भी जो है लिफ्टिंग जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, जिसके कारण जो है अनाज यहीं पे जो है कितना ज्यादा इकट्ठा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं दूर दूर किस तरह से जो अनाज है वो यहीं पर है, बोरियों में भरा हुआ है ना। और आपको बता दें कि कई घंटों से जो है बरसात चली हुई है, तो आप और काफी तेज बरसात है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान की जो फसल है फिर से खराब होने का कितना ज्यादा डर है। और आप देखें कि किस तरह से जो बोरियां है वो पैक हो चुकी है और ये जो है गोदामों में जाएंगी, जिसके कारण जो है ये अनाज अब खुलेगा नहीं और जो गोदाम में जाने के बाद भी जो है ये अनाज सड़ जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसान की जो मेहनत है किस तरह से, बता दें कि किस तरह से जो किसान की मेहनत है वो किस तरह से खराब हो गई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी तेज बारिश है, कई घंटे हो जाते हैं इस बारिश को, लेकिन जो बारिश है उसने का नाम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मूसलाधार बरसात यहाँ पर हो रही है। और आप चारों तरफ देखेंगे कितने ज्यादा बादल छाए हुए हैं। और चारों तरफ अनाज की बात करें तो चारों तरफ बोरियों में अनाज भरा हुआ है। एक तरफ तो सरकार का कहर, दूसरी तरफ मौसम का कहर किस तरह से जो है किसानों के ऊपर पड़ रहा है। मंडियों की बात करें तो मंडियों में भी कितनी ज्यादा फसल है और खेतों में भी अभी काफी फसल कटनी बाकी है। अब इस तरह से बारिश का कहर है, कुदरत का कहर जो पड़ा हुआ है किसानों पे किस तरह से पड़ रहा है। रुकने की बरसात को कई घंटे हो जाते हैं। और आपको बता दें जो बारिश है उसको कई घंटे हो जाते हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं जो किसान है उसकी फसल किस तरह से खराब हो रही है। कभी बेमौसम के कारण, कभी कुदरत का कहर पड़ता है, तो कभी जो है सरकार की तरफ से भी किसानों पर कहर पड़ रहा है। तो इसी के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। मैं शबनम जनता की आवाज़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी करनाल की न्यू अनाज मंडी से, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों पर फिर से कहर आ पड़ा है।